नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 24 अगस्त का भी आंसर की जारी हो चुका है। हालांकि ये मध्य रात्रि 12 बजे ही लिंक एक्टिवेट हो जाता है, बट मुझे पता है कि आप लोग भी सो रहे होते हो और आप लोग को भी अब पहले दिन तो चिंता होती है और दूसरे दिन यही लगता है कि चलो ठीक है यार, आंसर कहीं मैच कराना है, सुबह कर लेंगे। एग्जैक्टली सेम चीज अब सुबह हो गई है, तो आप सभी लोग आंसर की मैच करा लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो 23 तारीख का हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, हम लोगों ने जो ऑब्जेक्शन देखा था या पूरा आंसर की मैच किए थे, उसमें जो हमें प्रश्न पे आपत्तियां लगी थी उनको मैंने कल के सेशन में डिस्कस कर दिया था। अभी आपको पीडीएफ भी दिखा दे रहा हूं। आज का 24 अगस्त का बता दूं, उसके लिए कोई अलग से लिंक नहीं आएगी। आपकी जो कल वाली ही लिंक थी, मतलब 11/9/2024 को एक लिंक आई थी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो वो कैंडिडेट लॉगिन होगा। कैंडिडेट लॉगिन जैसे आप करेंगे तो ये आपका कैंडिडेट लॉगिन हो जाएगा। कैंडिडेट लॉगिन के बाद यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्शन आएगा। ये खासकर वो बच्चे आज करें जिनका पेपर क्या है, जिनका पेपर 24 तारीख को हुआ है, केवल वही करेंगे। 23 वाले भी नहीं करेंगे, वैसे 23 वाले लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा, लेकिन 24 वाले आज करेंगे। 25 वाले और 30 वाले और 31 वाले नहीं करेंगे। मतलब कि आपका जो 5 दिन में पेपर हुआ था, आपका 23, 24, 25 और 30, 31 में हुआ था, तो आज केवल 24 वाले लॉगिन करेंगे। 23 वाले भी कर सकते हैं, उनका भी लॉगिन हो जाएगा अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना है तो। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना क्या डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, तो ये पेज ओपन होकर आएगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से ओपन होके आएगा, ठीक है। जब आप इसे करेंगे क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पे, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे ये पूछेगा कि आपका कैप्चा क्या है। तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से डालेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर डालेंगे और यहाँ पे जो ये शब्द लिखा हुआ है, कैपिटल है तो कैपिटल में और स्मॉल है तो स्मॉल में डालेंगे और साइन इन करेंगे। जैसे साइन इन करेंगे वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, वैसे ही आपका पेपर ओपन हो जाएगा और वहां पे सारी चीजें दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार डेमो पर्पज से दिखा देता हूं कि किस प्रकार से वो आपको दिखाई देता है, पेपर किस प्रकार से आपको वहां पे दिखेगा और उसके अनुसार ही आप क्या कर सकते हो, उसके अनुसार आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका दिखाई देगा, अगर यहाँ पे ध्यान देते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे आपकी रिस्पांस की रहेगी और रिस्पांस की के बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप किस लिए ऑब्जेक्शन करना चाहते हो, फिर यहाँ पे आपको उसके बारे में कुछ इस बॉक्स में लिखना होगा और यहाँ पे आपको अपना प्रूफ डालना होगा। तो वो सारी चीजें जैसे आप यहाँ पे देखोगे, मैं इसे थोड़ा सा और फ्रंट पेज दिखा देता हूँ, फर्स्ट पेज दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आप देखोगे यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन संख्या, ये आपके ही पेपर का होगा। यहाँ पे सवाल है, जो आपके सवाल होंगे, ये जो उत्तर की आयोग ने दिया है ये उत्तर की है। आपको कैसे मैच कराना है, आप जब पेपर देके आए होंगे तो आपको एक ओएमआर सीट मिला होगा, आप ओएमआर सीट लेके बैठो और आप देखो पहले का सी है आपने क्या लगाया, सी सही, पहले का डी है आपने लगाया डी सही, पहले का ए है आपने लगाया बी, आप अपना गलत कर दो। तो ऐसे प्रकार के आप सही और गलत ओएमआर में ही टिक करके जान सकते हो। उसके बाद ऑब्जेक्शन टाइप किस प्रकार का है, मतलब इसमें जब करते हो तो 3-4 ऑप्शन पूछता है कि आप किस प्रकार से ऑब्जेक्शन करना चाह रहे हो, क्या इसमें 2 ऑप्शन सही है, क्या ये पूरा प्रश्न गलत है, एक भी ऑप्शन सही नहीं है, या फिर ऐसे कई सारे आपके ऑप्शन आते हैं तो उनको चूज करना पड़ेगा। साथ में उसके बाद फिर आपका एक्सप्लेन व्हाट इज रॉन्ग, बताएं कि क्या गलत है, तो आप वहां पे बताओगे कि इस प्रश्न में हमारे अनुसार ये होना चाहिए, इसका लॉजिक ये है, जिसका साक्ष्य हमने दिया है, आपने ये माना है, इसे कृपया सही कर दीजिए, ये हमें बॉक्स में लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, 2-3 लाइन में लिखना है। उसके बाद आपको रेफरेंस डॉक्यूमेंट में आपको फाइल चूज कर लेनी है जो आपका प्रूफ है, और ये क्या चूज करना है अब इस चीज को मैं बताता हूँ किस प्रकार से आपको करना है। तो जो बच्चे 23 वाले बच्चे होंगे, जिन बच्चों का मैंने बताया था कि भाई आप सभी का मैंने क्या किया है, आप सभी का जितने भी ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिया है, सारे बच्चे देखेंगे, मैंने आपको एक पीडीएफ बना के दे दिया है, वो पीडीएफ परीक्षा प्लस ऐप पे जाएंगे, परीक्षा प्लस ऐप पे यूट्यूब पीडीएफ सेक्शन में सबसे ऊपर फोल्डर यूपीपी कॉन्स्टेबल ऑब्जेक्शन के नाम से, सारे फोल्डर में वहां पर लगा दूंगा। तो ये 23 अगस्त वाला था, 23 अगस्त में विथ प्रूफ मैंने दिया था ऑब्जेक्शन वाले प्रश्न, मैंने इसे समझा भी दिया था और मैंने बहुत बेहतर तरीके से इस पीडीएफ को बनाया भी है, सब कुछ लिख के मुझे खुद ही, मैं वीडियो बनाते पीडीएफ बनाते बनाते रात के कल 11:30 बज गए थे,
बट यहाँ पे आप देखो कि कैसे करना है, पूरा चरण लिखा है इस पीडीएफ में, उन्हीं प्रश्नों को ऑब्जेक्शन के लिए दिया गया है जिसका साक्ष्य मजबूत हो, जिसका साक्ष्य मजबूत नहीं है उसको यहाँ पे ऑब्जेक्शन के लिए नहीं दिया गया है। यदि इन प्रश्नों के अलावा भी आपको किसी प्रश्न में आपत्ति हो तो स्वेच्छा से आप आपत्ति डाल सकते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मत डालो, आपको डालना है तो डाल दीजिए, वो आयोग पर डिपेंड करता है कि नहीं। और किस प्रकार से पीडीएफ के सभी साक्ष्य प्रमाणिक जो प्रमाणिक है उन्हीं में मैंने आपको दिया है, साथ में आपकी सुविधा के लिए ऑब्जेक्शन के समय किस बॉक्स में क्या लिखना है ये भी मैंने बता दिया है, और रेफरेंस डॉक्यूमेंट आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको अपलोड करना है। तो इस पीडीएफ में संबंधित प्रश्न पर जाएं, जैसे कौन से प्रश्न पे जाएंगे, सपोज करो कि आपको इस वाले प्रश्न को आपत्ति देना है तो इस वाले प्रश्न पे मैंने पूरा का पूरा लिखा है। इस वाले प्रश्न में प्रश्न क्या था, ये था, ऑब्जेक्शन टाइप क्या है, दिया गया उत्तर गलत है, जैसे वहां पर दिया ना ऑब्जेक्शन टाइप के आपत्ति का प्रकार क्या है, तो आपत्ति का प्रकार दिया गया उत्तर गलत है, और क्यों बताएं कि क्या गलत है, इसलिए गलत है कि आयोग का उत्तर इसमें मध्यकालीन युग में कला की बहुत उन्नति हुई, जबकि सही उत्तर होगा साहब ने कहा कि किसी के अंदर ना जाने दिया जाए, ऐसे मैंने लिखा कल वाले का, और साक्ष्य मैंने ये लिखा साक्ष्य के हिसाब से, ये इतनी चीजें मैंने साक्ष्य किया। अब आपको क्या करना है, आप जैसे साक्ष्य प्रस्तुत करना चाह रहे हो तो उसमें जेपीजी या पीडीएफ चाहिए, तो आप उस पर्टिकुलर फोटो का क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने फोन में देख रहे होगे ना तो पीडीएफ को जब देख रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, और वो स्क्रीनशॉट अपने गैलरी में सेव कर लो। जो गैलरी में सेव होता है वो जेपीजी से ही सेव होता है, पीएनजी से सेव नहीं होता, और अगर पीएनजी से सेव होता है तो छोटे मोटे एप्लीकेशन आते हैं वो जेपीजी में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप इसका क्या लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब आप अपने ऑब्जेक्शन वाले पे जाओगे, आपके ऑब्जेक्शन वाले में जिस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो आप वही वाले प्रश्न की इमेज लगाओगे, ऐसा नहीं है कि आप इमेज दूसरी लगा दो और प्रश्न दूसरा है, ये गलती मत करना वरना वहां पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, हालांकि आपसे गलती हो जाएगी तो किसी ना किसी बच्चे ने किया होगा, तो इसके लिए निश्चिंत रहे, परेशान मत रहे कि कोई ना कोई तो ऑब्जेक्शन किया होगा, ऐसा नहीं है कि सबको ऑब्जेक्शन करना है, जब ऑब्जेक्शन करेंगे तभी आपको उत्तर मिलेगा, अगर गलत है तो सबके लिए सही है तो सबके लिए सही है, इस कारण से अगर कोई गलती भी हो जाती है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा का सारा मैंने बहुत बेहतर तरीके से दिया है, पूरी टिप्पणी भी मैंने दिया हुआ है कि क्यों ये प्रश्न गलत है। इस पूरे पीडीएफ की खासियत यह है, पहले पेज पे मैंने दे दिया आपको क्या क्या करना है, दूसरे पेज पे मैंने इस लिख दिया है कि 23 की पहले शिफ्ट में ये प्रश्न आपके गलत है, और उसके बाद फिर प्रश्न वाइज मैंने कि ये प्रश्न है इसमें ऑब्जेक्शन टाइप क्यों गलत है, ये उत्तर और ये साक्ष्य, ऐसे ही दूसरा प्रश्न यहां पर क्यों गलत है, बताए कि क्या गलत है, उत्तर आयोग का, आपका उत्तर, सही उत्तर और साक्ष्य, ये सारी चीजें मैंने क्वेश्चन वाइज कर दी हैं, तो ये आपको कहीं भी अतिरिक्त एक्स्ट्रा भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, और ऐसे ही मैं 24 तारीख के शिफ्ट का भी आज रात के तक दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस कमेंट में जो 24 तारीख के पहले और दूसरे शिफ्ट में जिस भी क्वेश्चन पे आपको डाउट लग रहा है वो आपको कमेंट करना है। कैसे कमेंट करना है, आपको बताना है कि सर 24 की आपको लिखना है 24 फर्स्ट शिफ्ट या 24 सेकंड शिफ्ट, फिर आपको लिखना है ये वाला क्वेश्चन हिंट के साथ, क्वेश्चन को थोड़ा चार चार दो एक मतलब चार चार शब्द पांच पांच शब्द विद ऑप्शन लिख देंगे तो मुझे आइडिया लग जाएगा अच्छा आप इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फिर हमारी टीम उसको पूरे अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेगी, और वेरीफाई करने के बाद जो भी होगा ऐसे पीडीएफ बना के और आज दोपहर 2 बजे मैं आपको लेके आऊंगा, आज शाम में नहीं या दोपहर में ही 2 बजे लेके आऊंगा और आपको सारी चीज बता दूंगा किस प्रकार से आपको करना है। तो इस सेशन में बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जैसे ही 2 बजे वीडियो आपको पता चल जाए, 2 बजे वाली वीडियो को आप रिमाइंड कर लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।